एजम्पशन ये भी था मेरा एज अ पर्सनली कि ताई हमें एक केस स्टडी की तरह देखती है और देख रही है फॉर पीएचडी रिसर्च, बट ये केस स्टडी से ओनरशिप की जो जर्नी थी वो मुझे लगता है कि बहुत अहम वाली बात है थी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हम अलग अलग वेरिएबल्स करके लेते हैं. हाँ, वी थिंक दैट इज़ अ कंटेंट और वो भी मे बी वेरिएबल्स और फिर डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक सेक्स, देन जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन, बट मुझे लगता है कि जो ओनरशिप हुई विद इन अ प्रोसेस वो बहुत ही बड़ी बात थी. अगर मैं बता चाहना चाहूँ कि वैल्यूज़ क्या थी, कोर वैल्यूज़, तो फर्स्ट तो ये तो ट्रस्ट, मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मुझे लगता है कि ट्रस्ट इज़ माई बिलीफ एंड बिलीव्स, क्योंकि अगर हम लोग जब तक ट्रस्ट नहीं हम लोग ये करते हैं तब तक कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है. नॉन जजमेंटल इज नेक्स्ट, क्योंकि अगर कोई भी अगर मुझे जज कर रहा है तो मैं क्यों अपने बताऊँ सीक्रेट्स बताऊँ, ये उस प्रोसेस की बहुत बड़ी बात थी. नॉन थ्रेटनिंग है, जहाँ पर किसी भी चीज़ का डर नहीं है,